हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहे लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा IBPS SO जो कि 4 कैटेगरी ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं IBPS। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जो लोग चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसका ऑनलाइन 6 नवंबर 2018, लास्ट डेट रहेगा इसका एप्लीकेशन के 26 नवंबर 2018 तक। एप्लीकेशन के जो डेट दिया हुआ है आप लोग उसमें आपको भरना होगा। इसके साथ साथ आपका लास्ट डेट जो पेमेंट है 26 नवंबर 2018 तक आपका पेमेंट यहाँ पे होगा। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा 29 और 30 दिसंबर के अंदर आपको एग्ज़ाम होगा। प्री एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा दिसंबर 2018 में। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा 27 जनवरी 2019। जनरल यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल वालों के लिए 600 रुपीज़, ओबीसी वालों के लिए 600 रुपीज़, एससी वालों के लिए 100 रुपीज़, एसटी वालों के लिए 100 रुपीज़, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपीज़। तो जो लोग डेबिट कार्ड इस एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस तरह की या कैश ई कार्ड तरह आपको यहाँ पे आपको जो कि या इसको आपको भरना होगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे जो है 1599 पोस्ट निकला हुआ है। एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे 20 से 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, टोटल पोस्ट है इसका 853। एज लिमिट के बात करें तो इस पोस्ट के लिए 20 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री BE BTech इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डायरी साइंस। तो जो लोग यहाँ पे इस तरह के जो क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें सेकेंड पोस्ट जो है लॉ ऑफिसर, जिसका पोस्ट है 75, 20 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए इसका बैचलर इन LLB, 5 इयर्स या 3 इयर्स के आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है IT ऑफिसर, जिसका पोस्ट है 219। एज लिमिट की बात करें तो सेम रहेगा 20 से 30 इयर्स, बैचलर डिग्री विद BL एग्ज़ाम पास और BTech और BE इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है HR पर्सनल ऑफिसर, जिसका पोस्ट है 81। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विद PG डिग्री और फुल टाइम PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर, जिसका पोस्ट है 302। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 20 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर विद MMS मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग फुल टाइम 2 इयर्स, PG DBA PG DBM विथ ट्रेड इन मार्केटिंग। उसके बाद है राजभाषा अधिकारी, जिसका पोस्ट है 69। एज लिमिट की बात करें 20 से 30 इयर्स, मास्टर डिग्री इन हिंदी इसका क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको लिंक जो एक्टिवेट होगा 6 नवंबर 2018 में, तो इसका ऑफिशियली लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था IBPS के जो रिसेंटली